अगर आप नहीं देखे हैं झारखंड का सबसे फेमस कर्मा पूजा, वेलकम टू माय चैनल। सो आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं हूँ घर पे, यानी कि घर पे यानी दिल्ली नहीं, आज मैं हूँ रांची में, अपने घर आई हुई हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोची थी व्लॉग बनाने का, बट नहीं बना पाई थी, तो आज टाइम निकाल के मैंने सोचा कि आपको घर का भी। तो यहाँ देख सकते हैं कितने काले काले मेघा, कितने ज़्यादा, देखिए रांची का मौसम है ये अभी इस वक्त 6:30 बज रहे हैं और मौसम इतना अच्छा है और बहुत तेज बारिश हुई है और हवा, यहाँ का जो हवा है ना, महसूस तो कर ही सकते हैं, सुन भी सकते हैं, इतनी तेज यहाँ की हवा है। और मैं आई थी छत में मम्मी के साथ, और ये रही मम्मा चुपरा घूम घाम के आई नीचे से। तो ये देख सकते हैं यहाँ बहुत तेज चल रही है। यहाँ हमारे छत से ना एक पहाड़ी मंदिर है जो दिखाई देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे मंदिर भी दिखाई देता है जब मौसम साफ होता है, तो आज बादल है तो इसलिए इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, बट अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे पहाड़ी मंदिर। हमारे यहाँ के पहाड़, तो यहाँ पे हो रही है बहुत तेज, मतलब बारिश स्टार्ट होने वाली है। और ये तो चलिए चलते हैं नीचे का व्यू दिखाते हैं हम आपको। तो काफ़ी ठंड लग रहा है क्योंकि दिल्ली का जो है वो माहौल थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे हमेशा थोड़ा मम्मी को लगता है सर्दी भी हो गई। अब चूँकि हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर वाले फ्लोर पे और यहाँ पे सारे जो है रेंटर रहते हैं, तो ये सारे के सारे अभी घर भाग चुके हैं रेंटर वाले, क्योंकि आज है फेस्टिवल कर्मा वाला, तो सब लोग अपने अपने घर पर इंजॉय करते हैं अपने फेस्टिवल, इसलिए देख सकते हैं कितना सन्नाटा है हमारे यहाँ पर। कि आपको इस साइड से भी मैं दिखाती हूँ, उधर से रिव्यू काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं आ गई हूँ अब नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ अब गार्डन का, क्योंकि इस टाइम पापा ने बहुत कुछ लगा रखा है छोटे से गार्डन में, बहुत बड़ा गार्डन नहीं है, और इसमें बहुत सारी सब्जी भी आ चुकी है। तो मैं दिखाती हूँ पापा ने क्या क्या लगाया है। तो मम्मी अभी जो है हम लोग हार्वेस्ट करेंगे मकई, क्योंकि यहाँ पे मकई काफ़ी सारा हो रखा है। मम्मी मेरा वेट कर रही थी कब हम घर से आएंगे और मकई ये लोग फ्रेश फर्स्ट टाइम जो है हार्वेस्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं सबसे पहले मकई हार्वेस्ट। तो ये रहा हमारे गार्डन में मकई, इतना बड़ा हो रखा है और यहाँ पे भी काफ़ी सारे, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी थोड़ा छोटा सा है। तो देख सकते हैं मम्मी की टोकरी पूरी भर गई है, तो इतने सारे हमने मकई जो है अभी तोड़ लिया है, काफ़ी सारा हो गया है हमारे आज के नाश्ते के लिए। और ये रहा कोहड़ा का पेड़ जहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स आ रखे हैं, ये देख सकते हैं। इस फ्लावर का ही हमने जो है पकौड़ी बनाते हैं इस वाले फ्लावर का। तो हम लोग जो है अभी यहाँ पे हार्वेस्ट कर रहे हैं पम्पकिन का फ्लावर और इसकी हम पकौड़ी बना के खाएंगे, क्योंकि अगर आपने मेरा शॉर्ट्स देखा होगा तो उसमें मैंने थोड़ी सी एक रेसिपी भी था, जैसे मम्मी पकौड़े का मतलब फ्लावर का पकौड़ा बना दी थी और हमने ये खाया था जो कि बहुत ही टेस्टी है। आज बारिश हुई है तो गीले हो गए फ्लावर, ये इतने बड़े बड़े काफ़ी सारे फ्लावर हैं। सुबह सुबह मम्मी यहाँ से खेत से काफ़ी गार्डन से काफ़ी सारे सब्जी फ्रेश और जो है नाश्ते के लिए फ्रेश वाले चीज़ें मम्मी ले जाती हैं, जो कि और इसकी पकौड़ी जो है वो मम्मी बनाएंगी। ये फ्लावर बहुत सुंदर दिखते हैं बट ये अभी एक दो घंटे में ये मुरझा जाएंगे अगर आपने इनको नहीं तोड़ा तो। तो यहाँ पे जो है हमारा एक पम्पकिन तैयार हो चुका है, मतलब इस तरीके काफ़ी सारे पम्पकिन जो है रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये वाले सारे अनार के पेड़ हैं, जो अनार अभी इस सीज़न पे तो नहीं है, और इसके पहले जब मैं आई थी तो उस सीज़न में थोड़ा बहुत अनार के फ्रूट्स निकले थे। और साथ ही ऊपर वाला जो है ये भी, ओ भाई मैं ही डर गई थी, पीछे जो हवा इतना तेज चल रहा है मुझे लगा पता नहीं क्या है, जाली वाली क्या है ये, चेहरे पे ही लग गया। तो ये पूरा ऐसे मचान बना हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये फ्लावर मम्मी ने लगाया हुआ है, ये मम्मी का फेवरेट फ्लावर है, तो मौसम में काफ़ी अच्छा हो रखा है ये वाले फ्लावर। इसको शुगर वाले खाते हैं, खट्टा खट्टा सब्जी होता है इसको, इसकी पत्ती की सब्जी खाते हैं। अच्छा, ये हवा लेने के लिए घर आना पड़ता है। और ये मेरे घर में सबसे बड़ा तुलसी का पेड़ है, ये वाली तुलसी।
मम्मी बुला रही है। अच्छा पापा यहाँ है, मैं सोच रही थी पापा बाहर है खेत में। तो हमारा हो चुका है ब्रेकफास्ट, नहा धो के सब कोई हो गए हैं रेडी, और आज है हमारा फेस्टिवल यानी कर्मा पूजा का फेस्टिवल। मतलब रांची में काफी धूमधाम से मनाया जाता है, तो हमारे घर बन रहा है बहुत सारा पकवान। आज छोटा भाई नहीं है, वो कोई काम से बाहर गया हुआ है, तो पापा क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पापा इज बिजी, ये अपने हमेशा की तरह फोन में लेके बैठे रहते हैं, देख सकते हैं फोन में लेके बैठे हैं, हाथी घोड़ा डिस्कवरी देख रहे हैं। और यहाँ है मम्मी, जिसकी मैं अभी हेल्प कर रही थी मम्मी की, बट अभी मैं व्लॉग बना रही थी तो मैं मम्मी की हेल्प नहीं कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं व्लॉग बना रही हूँ, मम्मी बना रही है नमकीन। इसके अलावा आज घर में बना है ठेकवा, वो भी ठेकवा बनाया ना मम्मी, तो मैं भी थोड़ी देर में मम्मी की हेल्प कराऊंगी जो है ये करके। मम्मी ने भी जस्ट बना के इतना सारा ठेकवा जो है वो बन गया है, चल इसको। तो यहाँ पे पापा और हम बना रहे हैं अभी निमकी, क्योंकि मम्मी थक गई है इसीलिए हम लोग अब नमकी बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी काफ़ी सारा जो है हमने निमकी रेडी कर लिया है, क्योंकि गेस्ट भी आने वाले हैं और अभी इतना डो जो है वो पड़ा हुआ है, इतना सारा आटा, तो इसको भी पूरा ख़त्म करना है निमकी बना के। और पापा अभी देखिए छान रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो है लंच हो चुका है, और लंच करने के पहले हमने सारा जो हमारा आज का मतलब जो पकवान बनाना था वो हमने सारा फिनिश कर लिया है। अब पूजा के लिए हमें पहनना है इवनिंग में ट्रेडिशनल ड्रेस। यस, ये कंपलसरी नहीं बट अपना खुद का होता है, क्योंकि ये साल में एक बार होता है, तो सब लोग यहाँ पे जेंट्स लेडीज जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनते हैं। अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल। तब तक चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी क्या कर रही है ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ। तो ये रहे मम्मी पापा, मेरे रूम को तो कचरा बना दिया है, तो ये मम्मी साड़ी के साथ देख लिए, ये ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है, ये ऐसी मैं लेके आई थी, मम्मी सोची है इसका कुछ कर लिया जाए। मेरी रेड वाली ब्लाउज के साथ वाइट और रेड वाली साड़ी, तो मम्मी ने कल मेरे लिए ये वाली साड़ी खरीदी, रेड और वाइट वाली, जो कि बहुत सुंदर सी है। तो शायद मैं मम्मी की पसंद क्या साड़ी पहनूंगी, रेड वाइट बॉर्डर वाली साड़ी जो देख सकते हैं, सिल्क वाली साड़ी, बहुत ही सुंदर है। रूम नहीं है, ये गेस्ट रूम है, जो कि अभी हमने तैयार नहीं किया है, रेडी नहीं हुआ है अभी ये गेस्ट रूम, और ये तब तक के लिए मम्मी का ये टेलर रूम रहता है। मम्मी इसमें सारा अपना करामात करती है, देख सकते हैं पूरा यहाँ पे कपड़ों की सिलाई मम्मी करती है, अपने ब्लाउज वगैरह। तो मम्मी ने मेरा ब्लाउज भी रेडी किया था जिसमें सिर्फ कंधा सिलना था, मैं दिखाती हूँ, मम्मी बहुत अच्छा सिलती है। तो इसमें थोड़ा सा स्टिच वगैरह करना था, तो ये वाला ब्लाउज मम्मी ने इसके लिए रेडी किया हुआ है, इस साड़ी के लिए, जिसके स्लीव्स बनाए थे, तो देख सकते हैं ये अभी कंप्लीट नहीं है, ये अभी ये ओपन है ये वाला, और ये वाला बन चुका है स्लीव्स, तो शायद मैं ये डालूं। तो ये आ रहा है पापा का फ़ोन, शायद कोई गेस्ट आने वाले हैं इसीलिए। कम कम वाली बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी, बहुत तेज़ बारिश नहीं है। हम लोग वेट कर रहे हैं 5 बजे तक कि बड़ी मम्मी बड़े पापा आ जाएं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कुछ अलग मतलब चाय पानी करेंगे, उसके बाद फिर रेडी होंगे ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ, जो ये काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे थे कि कब हम लोग का कर्मा पूजा आएगा, और इसीलिए तो मैं आई हूँ घर दिल्ली से। फाइनली हो गए हम लोग तैयार, मतलब आई एम रेडी, और रजनी को बोला था मैंने रेडी होने के लिए बट वो रजनी नहीं पहन के आई। बड़ी मम्मी बड़े पापा जो आए स्पेशली मेरे से मिलने के लिए और कर्मा अटेंड करने के लिए, और पापा के गमछा लेके रेडी हैं, वो सैंपल है रेड और वाइट का, उनको गमछे से ही काम चलाना आज, और बड़े पापा को आज गमछा नहीं मिला है उसके लिए बड़ा सॉरी फटा हुआ। और ये बड़ी बड़ी मम्मी है यानी मेरी मम्मी की सगी वाली बहन, और हम लोग मिल रहे हैं कितने बाद, कितने साल बाद बड़ी मम्मी, कुछ 25 साल के बाद मिल रहे हैं। तो कैसा लगा बड़ी मम्मी आपको मेरे से मिलके? खुशी लगा मेरी बड़ी मम्मी, छोटे से तो आए नहीं तो कहाँ। तो फाइनली इनसे तो आज हम लोग अच्छे सेलिब्रेट करेंगे कर्मा, तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से कर्मा डार में, बट उसके पहले मम्मी को भी दिखा दे, मम्मी बिजी रहती है थोड़ा, मम्मी जरा यहाँ मम्मी जल्दी जल्दी में रेडी हो गई है। तो यहाँ हम लोग सब लोग हो गए हैं रेडी और निकलते हैं कर्मा क्या बोलते हैं आप उसको, अखड़ा की ओर, तो अखड़ा जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं आपको लेके अखड़ा। अगर आप नहीं देखे हैं झारखंड का सबसे फेमस कर्मा पूजा, तो बने रहे मेरे इस व्लॉग पे, और न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो ये देख सकते हैं जल्दी जल्दी में ही सही कि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा
तो जस्ट अभी 11:30 हो रहे हैं और मैं आ गई हूँ घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अदरवाइज मतलब प्रोग्राम काफ़ी देर तक चलता है, तो पापा मम्मी अभी हैं और जो हमारे यहाँ गेस्ट आए थे बड़ी मम्मी और बड़े पापा, वो भी अभी वहाँ पे ही हैं। मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ और फिलहाल करते हैं अपने इस व्लॉग को आज पे यहीं पे एंड, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अब और आगे हिम्मत नहीं है। तो अगर आप न्यू है तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, और मिलते हैं न्यू वीडियो पे न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।